फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो गाइज, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है ये है मोशन सेंसर। आप ये देख सकते हो, आज की तारीख में सेंसर की काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, काफ़ी अलग अलग तरीके के सेंसर मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ये सेंसर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। तो ये प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो गाइस, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है ये है काफ़ी डिमांडेड प्रोडक्ट है, बिकॉज काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ज़्यादा करके आपने देखा होगा ऑटोमेशन में भी ये प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी क्विक रिस्पांस करता है, काफ़ी क्विक मोशंस को सेंस करता है और लाइट को ऑन और ऑफ कर देता है। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जनरली आप मार्केट में सेंसर लेने जाते हो तो काफ़ी अलग अलग तरीके के आपको सेंसर देखने मिलेंगे, चाहे वो अलग अलग कंपनीज के हो या चाहे अलग अलग तरीके से ऑपरेट होने वाले हो, तो काफ़ी मोशन सेंसर मार्केट में अवेलेबल है। बट आज का जो मैं आपको सेंसर दिखा रहा हूँ ये है माइक्रोवेव मोशन सेंसर, आप ये देख सकते हो। तो लुक वाइज काफ़ी कॉम्पैक्ट है और सिंपल है, आप ये देख सकते हो। पहले मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि कंपनी ने क्या क्या ऑप्शन इसमें आपको दिए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो गाइस, इसके अंदर पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये सैमसंग नोवा का प्रोडक्ट है और इसका जो प्रोडक्ट कोड है ये नोवा 40 है। और इसका जो स्पेसिफिकेशन इसमें जो क्लियरली बताया है, दो तीन चीज़ें जो ध्यान देने वाली चीज़ है इसमें, जो इसका डिटेक्शन रेंज है, डिटेक्शन रेंज 180 डिग्री से 360 डिग्री का डिटेक्शन रेंज दिया गया है। जैसे कि इसको आप वॉल पे भी लगा सकते हो, सीलिंग पे भी लगा सकते हो। वॉल पे अगर आप इसको फिक्स करते हो तो आपको 180 डिग्री का डिटेक्शन रेंज मिलेगा, उसी तरह अगर आप इसको सीलिंग पे लगाते हो तो आपको 360 डिग्री का डिटेक्शन रेंज मिलेगा, जैसे कंपनी ने यहाँ पे भी बताया गया है, आप देख सकते हो। तो इसके बाद गाइस इसका पावर सोर्स बताते हैं, 220 वॉट से लेकर 240 वॉट एसी पे ये चलता है। अपने घर की इलेक्ट्रिक सिटी पे आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसका जो रेटेड लोड है ये 1200 इंडिसेंट है और 300 एलईडी दिया गया है, तो 300 वॉट तक की एलईडी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो एक से ज़्यादा एलईडी भी आप इसमें लगा सकते हो। इसके बाद इसमें जो टाइमिंग ऑप्शन दिया है, आप 10 सेकेंड से लेकर 12 मिनट तक इसको आप टाइम सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे आप रूम में इंटर होते हैं तो रूम में इंटर होते ही लाइट ऑन हो जाएगी आपके मोशन से, और लाइट ऑन होने के बाद अगर आप वहाँ से चले जाते हो, वो एरिया में कोई भी मोशन नहीं होता है, तो जो भी टाइम आपने सेट किया है, एग्जांपल 10 सेकेंड या 12 सेकेंड या 15 सेकेंड या 10 मिनट, तो उतने टाइम के बाद वो लाइट वहाँ से बंद हो जाएगी अगर वहाँ पे कोई भी मोशन सेंस नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से आप उसमें टाइम सेट कर सकते हो, तो वो टाइम पे वो लाइट बंद हो जाएगी। और गाइज, इसकी जो रेडियस है मैक्सिमम 8 मीटर तक की है, मतलब 8 मीटर तक ये सेंस कर सकता है, 8 मीटर लंबे से भी ये सेंस कर सकता है, तो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस इसमें दिया गया है गाइज। तो ये थी इसकी जो स्पेसिफिकेशन इसमें दी थी। तो गाइज, अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है इसमें, इसको ओपन करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको। गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट है, काफ़ी स्मॉल साइज़ में आप देख सकते हो, आराम से इसको माउंट कर सकते हो आप देख सकते हो। यहाँ पे इसको आपको वायरिंग करनी है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो आप सेट कर सकते हैं, लक्स है, सेंस है और टाइम है, तो यहाँ से आपको जो भी मैनेज करना है आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से प्लास्टिक मॉडल में आपको देखने मिलेगा, आप देख सकते हो। इसके अंदर एक यूज़र गाइड आपको देखने मिलेगी, आप ये देख सकते हो। इसके अंदर कैसे आपको यूज़ करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो आप ये देख लीजिए। तो जब भी आप ये प्रोडक्ट परचेस करते हो तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। आप इसको गाइस आपको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, अपने घर, ऑफिस, शोरूम में कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लाइट ऑन और ऑफ नहीं करनी है, अपने आप ऑन और ऑफ हो जाए। जैसे काफ़ी घरों में बाथरूम्स वगैरह में लगाते हैं, बेडरूम्स वगैरह में लगाते हैं, काफ़ी बच्चे लोग रहते हैं जो लाइट ऑन या ऑफ करते नहीं है, या ऑन करते तो ऑफ नहीं करते हैं, तो वो जगह पर अगर आप सेंसर लगा दोगे तो लाइट अपने आप ऑन और ऑफ हो जाएगी। उसी तरह काफ़ी बुजुर्ग रहते हैं जो लाइट ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो वो एरिया में अगर वो जाते हैं तो अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी, और वो एरिया से निकलते हैं तो लाइट ऑफ भी हो जाएगी, तो उस टाइम पे आपका काफ़ी पावर सेव होगा, टाइम भी आपका काफ़ी सेव होगा। इसके अलावा काफ़ी इंडस्ट्रीज में लगते हैं, काफ़ी पार्किंग लॉट में लगते हैं, काफ़ी होटल्स में लगते हैं, होटल्स में भी काफ़ी लॉबीज़ में आपने देखा होगा कि आप जैसे वॉक करते हो सारी लाइट चालू होते जाती है, तो वहाँ पे भी इस तरह का मोशन सेंसर होता है। उसी तरह पार्किंग लॉट में हमेशा लाइट चालू रखनी पड़ती है, तो वो एरिया में भी अगर कुछ मोशन नहीं हो रहा है तो लाइट बंद रहेगी, अगर कोई वहाँ पर एरिया में जाता है तो लाइट ऑन हो जाएगी, तो इससे पावर का सेविंग काफ़ी होता है और काफ़ी अच्छा एक लाइट सेविंग ऑप्शन मिल जाता है, और काफ़ी टाइम सेविंग के अगर आपको बार बार लाइट चालू करने जानी नहीं, अगर कोई भी आ रहा है तो अपने आप ऑन हो जाएगी और अपने आप ऑफ हो जाएगी,
टाइमिंग इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। रेडियस इसमें काफ़ी अच्छा दिया है, 8 मीटर तक ये कैच करता है और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने 3 ईयर्स की इसमें आपको वारंटी प्रोवाइड की है, तो 3 ईयर्स में कुछ भी होता तो कंपनी आपकी हेल्प कर देगी। और कंपनी की काफ़ी अच्छा रिव्यू है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में प्रोडक्ट है और काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है गाइस। इसकी जो प्राइस है मार्केट में आज की तारीख में आपको 900 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगी। आप ये देख सकते हो, ये प्राइस में अगर आपके आसपास में भी आपको मिलती है तो काफ़ी अच्छी प्राइस है, आप परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन की लिंक मैं अभी फिलहाल आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक किया है, ऑनलाइन में थोड़ा महंगा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूवर्स महंगी प्राइस में परचेस करें, तो फ्यूचर में अगर इसकी प्राइस कम होती तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे मेल कर सकते हो, तो मैं आपको अच्छी प्राइस में, अच्छी पैकिंग में और विथ गुड मिनिमम टू मिनिमम ट्रांसपोर्ट चार्ज में मैं आपको ये प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। तो गाइज़ ये थी आज के प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूज या डाउट है तो मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो, मैं सारे रिप्लाई करूंगा। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह आपको नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो खुश रहेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।